शिवराज सरकार में नौकरशाही की तूती बोल रही है। सरकार और उनके मंत्री अधिकारियों के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। मामला राजधानी में पदस्थ करोड़ों के घोटालेबाज आबकारी अधिकारी संजीव दुबे के कार्यकाल का है, जहां आबकारी अधिकारी संजीव दुबे ने सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए धार में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक विवेक त्रिपाठी को काली कमाई करने के उद्देश्य से भोपाल के आबकारी कार्यालय में पदस्थ कर लिया। इसमें आबकारी अधिकारी संजीव दुबे की खुलेआम मनमानी देखी जा रही है, जिसे उन्होंने विवेक त्रिपाठी को भोपाल पदस्थ करने के लिए सामान्य प्रशासन की अनुमति भी नहीं ली और सीधे अपने कार्यालय में पदस्थ करवा लिया। मजे की बात तो ये है कि ना तो इस मामले की जानकारी आबकारी विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी को है और ना ही आबकारी विभाग के कमिश्नर राजीव चंद्र दुबे को। आबकारी विभाग के सिंघम कहे जाने वाले संजीव दुबे सरकार व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार करके राजधानी में खुलेआम मनमानी कर विभाग को जमकर चूना लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि शिवराज सरकार और विभाग के प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी संजीव दुबे की हिटलर शाही पर कितना अंकुश लगा पाते हैं। गौरतलब है कि ये वही संजीव दुबे हैं जिसने कमलनाथ सरकार ने उनके ही विधायक और वर्तमान में शिवराज सरकार में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव पर शराब ठेकेदारों से 9 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया था।